नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना महामारी से ज्यादा कानून व्यवस्था में गिरावट और अपराध वृद्धि को लेकर दहशत में है। अखिलेश यादव जी ने बयान जारी करते हुए आरोप लगाया था कि अपराधी तत्वों पर पुलिस प्रशासन का जोर नहीं चलता, बस निर्दोष युवाओं पर उनका डंडा खूब चलता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया था कि कोरोना काल में परीक्षा कराने के विरोध में उतरे सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज नहीं पर खूनी हमला हुआ है। सत्ताधारी अपना दम्भ त्याग कर नौजवानों की बात सुने, क्योंकि यह जनतंत्र है, मनतंत्र नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष में अंधी होकर काम कर रही है। जब फ्लेट परीक्षा स्थगित हो गई तो JEE नीट परीक्षा कराने की हठधर्मी क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि हद तो यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में गोरखपुर में 28 दिन में 14 हत्याएं हो गई है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कितना है, यह पदायों का एक थाना अध्यक्ष वीडियो में बता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नौजवान बेकारी से परेशान है, जबकि किसान कर्ज से मजबूर होकर फांसी लगा रहे हैं। सत्याग्रह के देश में भाजपा दुराग्रह चला रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा को याद रखना चाहिए कि जनता के पास सत्ता को पलटने की ताकत भी है। अखिलेश यादव जी ने सीधा योगी सरकार पर हमला बोला था और बताया कि आपको बिठाया है सत्ता में, सत्ता से उठा भी सकती है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप ही रहोगे, आप ही बने रहोगे सत्ता पे। आप इतने जुल्म मत करो उत्तर प्रदेश की जनताओं पर, जनता पे और खास करके नौजवानों पे, वही भविष्य है। नेताजी ने एक रैली में बताया था, एक भाषण देते हुए कहा था कि नौजवान देश का भविष्य है। नौजवानों को ज्यादा मौका जैसे यादव जी वही कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने जैसा कहा था वही रास्ते पे चलते हुए अखिलेश यादव जी नौजवानों को ज्यादा मौका देते हैं। और ये भाजपा सरकार की ये जो राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में, बहुत गंदी राजनीति है और इसमें बदले की भावना से काम कर रही है। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, सरकार जो है उनकी बदले की भावना से नहीं काम करना चाहिए। बहुत सारी परीक्षाएं टाल दी गई तो JEE नेट पे क्यों इतना आपने प्रेशर दिया कि नहीं ये परीक्षा होगी ही। देखो आगे क्या होता है। 2022 में समाजवादी पार्टी को जीतना जरूरी है, क्योंकि भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में बहुत ही खराब कर दिया है उत्तर प्रदेश को। और पूरा जंगल राज है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।